वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैंने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैंने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है, संगठन, बजरंग दल, फीमेल्स, मेल्स, सोसाइटी, सभी को मैं माफ़ी बोलना चाहूँगी, सॉरी बोलना चाहूँगी। मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी और पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मुझे लगता है ये बहुत गलत है। उन सभी को सॉरी जिसको हर्ट हुआ है मेरे वीडियो से, और मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने बहुत गलत किया है। और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पब्लिक में वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। मेरे पास भी अभी शिकायत आई है, इंदौर के कुछ महिला संगठन आज सक्रियता के साथ कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इंदौर एक सांस्कृतिक शहर है, यहाँ इस प्रकार की अभद्रता नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे भारत के संविधान में लोगों को रहने की, खाने की, पीने की छूट है, पर ऐसी छूट जो दूसरे समाज को प्रभावित कर सके, मैं समझता हूँ कि ये दुरुपयोग है फंडामेंटल राइट्स का। और इसलिए इसके ऊपर प्रशासन को भी जागरूकता से काम करना चाहिए और समाज में भी ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थे, बट ऐसे ही कपड़े मोस्टली लड़कियां पहनती है, वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। मैं दिखने में ऐसे लगती हूँ तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया नॉर्मली रिएक्शन का। मैं न्यूज में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि लोगों को व्यूज की जरूरत है, और मुझे लगता है अभी और कम से कम 100-200 चैनल पे और आऊंगी, अभी 1 वीक तक आती रहूंगी, ऐसे ही ट्रेंडिंग बनी रहूंगी, मुझे उससे कोई इशू नहीं है।
आप में से जिसका भी कोई फैमिली मेंबर या जो भी लगता है या किसी ने पुलिस कंप्लेन की है तो प्लीज उन्हें मेरा एड्रेस बता दे, वो मुझसे आके मिल सकते हैं डायरेक्टली फेस टू फेस। मैं 78 में रहती हूँ, विजयनगर।